ये एक ऐसा अफसाना है जिससे इनकी जान जाती है और सही जाती है। आज नहीं तो कल ये कभी फंसेंगे, सीरियसली फंसेंगे तो इस केस में फंसेंगे। तो इशू इतना वो ज़बरदस्त था। दूसरा, इसके अंदर तालुक कादरी को तो क्रेडिट जाता है। पीपल्स पार्टी जो है, ये क्लास साहब आगे इन्होंने पॉइंट आउट किया, ठीक पॉइंट आउट किया कि जब भी कोई पॉपुलर लेवल की, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी बात थी कि उनको पहली दफ़ा एक लाहौर के अंदर ये पिछले 20 साल में एक जलसा नहीं बड़ा कर सके, आज पहली दफ़ा किसी और की प्लेटफॉर्म पे जाके तो थोड़ा सा मजमा इनको मिल गया, क्योंकि बहुत बड़ा मजमा नहीं था, पर थोड़ा सा मजमा इनको मिल गया शो पावर का। और ये पॉपुलर लेवल पे लाहौर जो कि 70s में और बाद में भी 1988 वगैरह में भी काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी का डोमेन रहा, इनका फोर्ट्रेस रहा है। तो आज दोबारा मौका जब मिला तो आसिफ जारी साहब खुद पहुंच गए, वहाँ बिलावल को नहीं लेके गए, बिलावल को वो दूर बॉर्डर के पास मदीन में भेज दिया कि जाके बेटा वहाँ जाके जो है ना तुम लोगों को वहाँ बेवकूफ़ बनाओ, या मैं कराऊँ। तो वो वहाँ पे तो वो बिल्कुल भी उसको यूज़ ज़रूर बिलावल को करना चाहते हैं, एक नज़र बट्टू के तौर पे, एक फ्रंट मैन के तौर पे, मगर उसको इख्तियार नहीं देना चाहते। ये क्लियर हो गया, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, ये चार दफ़ा हो चुका है। तो ये क्लियरली है कि लोग इस धोखे में ना आए। वो बेचारे पीपल्स पार्टी के अंदर जो कि बीबी का चेहरा बिलावल की सूरत में देते हैं कि वो सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए है, वो उसका और बेचारे का कोई काम नहीं है। ये हमारा नहीं फैसला, ये उनके वालिद मोहतरम का फैसला है, ये तो होगी पीपल्स पार्टी।